आपने एक फेस तो सुना ही होगा, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट कांट इग्नोर मी। ये फेस जो है वो सैमसंग के दो फोन के लिए बिल्कुल सूटेबल होता है। ये फोन है S20 FE 5G और S21 FE 5G, क्योंकि बहुत से लोग इस फोन को पसंद करते हैं, बहुत से लोग इस फोन की कमियां भी निकालते हैं, पर फिर भी ये फोन हमेशा चर्चा में रहता है, इसका डिमांड हमेशा बना रहता है। सेल के टाइम में तो डिमांड इसका और ज्यादा बन जाता है। अब साल का सबसे बड़ा सेल बहुत जल्दी आने वाला है, फिर से इस फोन का डिमांड आएगा, फिर से मन में कन्फ्यूजन आएगा कि ये फोन लेना चाहिए कि नहीं, आज 2023 में फोन लूँ क्या, मेरे लिए वर्थ है कि नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं अपना एक साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपका S20 FE 5G का, कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि अब जो सेल आने वाला है या इन जनरल भी अगर आप ये फ़ोन लेते हैं, ताकि आपका जो हार्ड एंड मनी है आप सही डिवाइस पर यूटिलाइज कर सके। तो क्या है S20 FE 5G के प्रोज एंड कॉन्स, चलिए इसी को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कोई भी स्पेक्स नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इस फ़ोन के स्पेक्स जानने हैं तो उसका मैं आपको अनबॉक्सिंग और स्पेक्स का वीडियो आपको लिंक कर देता हूँ आई बटन में, भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आया और क्या अच्छा लगा। जब हम 2023 में अगर S20 की बात करते हैं तो देखिए प्राइसिंग को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये फ़ोन आया था ये आपका 40,000 में बिकता था, आपको पता है, फिर ये 35,000 के आसपास बिक रहा था। लास्ट ईयर जब मैं इस फ़ोन को लिया था तभी ये 31-32 के आसपास मैंने इसको लिया था। अभी जब सेल आता है तो बैंक कार्ड वगैरह लगा लीजिए तो ये 25 से 26 हज़ार रुपये मिल जाता है। तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा किस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन आपको मिल रहा है। तो 25 और 26 हज़ार के हिसाब से बात करें तो जो इस फ़ोन का आपका बिल्ट है, जो उसका लुक है, इतना प्रीमियम लुक है, इतना स्लिक लुक है और इतना स्टाइलिश लुक है, मतलब अगर आज भी आप इस फ़ोन को लेंगे और 3-4 साल तक आप इस फ़ोन को यूज़ करेंगे तो आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि फ़ोन पुराना सा लगेगा। इसका बहुत फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, इस प्राइस पॉइंट पर ऐसा डिज़ाइन मिलना मुश्किल है। तो डिज़ाइन एंड लुक वाइज आप S20 FE को आज भी ले सकते हैं, मेरे तरफ से बिल्कुल थम्स अप है। अच्छा, इसका वेट का बात करेंगे तो इतना लाइट वेट है ये, आप इसको 1 हफ्ते या 10 दिन यूज़ करके देखिए और फिर आप दूसरा फ़ोन को यूज़ कीजिए, आपको फील होगा कि मैं कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा था। इतना बढ़िया उसको वेट मैनेजमेंट किया हुआ है, इतना ये लाइट वेट है कि मज़ा आ जाता है आपको उसको यूज़ करने में। अब बात कर लेते हैं हम डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा एमोलेड डिस्प्ले इसमें दिया हुआ है, बहुत ही वाइब्रेंट कलर आते हैं, बहुत ही शानदार पिक्चर इसमें आपको आते हैं। ओवरऑल आप जब देखेंगे ना, अब अगर आप नेटफ्लिक्स इसमें देखते हैं या हॉटस्टार देखते हैं तो इतना अच्छा आपको फील होगा, इतना बढ़िया लगेगा। एक तो बैलेंस आपका इसको स्क्रीन दिया हुआ है तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा इसका डिस्प्ले हो जाता है। डिस्प्ले में एक बहुत बड़ी कमी है जिसको मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, बट ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है आपका S20 का। तो डिस्प्ले वाइज भी आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। अगर बैटरी की बात करें तो देखिए 4500 mAh की इसमें बैटरी दी हुई है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, काफ़ी अच्छा ये आपको बैटरी बैकअप दे देता है। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे स्क्रीन ऑन टाइम की तो देखिए स्क्रीन ऑन टाइम डिपेंड करता है कि आप उस पर कर क्या रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गेम खेलेंगे तो स्क्रीन ऑन टाइम कम हो जाएगा, अगर जनरल आप सिर्फ व्हाट्सअप या फेसबुक यूज़ करेंगे तो स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ जाएगा। हम इन जनरल जैसे फ़ोन को यूज़ करते हैं या फिर मैं जैसे यूज़ करता हूँ तो ये इजीली आपको 4 से 4.5 घंटे का आपका स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। और 4 से 4.5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम का मतलब होता है कि कम से कम एक दिन आपका फ़ोन इजीली लास्ट कर जाएगा। तो ओवरऑल देखिए तो बैटरी काफ़ी अच्छा है, जैसे मैंने बताया कि इस फ़ोन को मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और बैटरी मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि डिटोरेट हो रहा है, इसका बैकअप काफ़ी अच्छा है। तो इस बैटरी के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज्ड फ़ोन है और 4500 के हिसाब से काफ़ी अच्छा बैकअप देता है। इनफैक्ट मैं तो यह बोलूँगा कि जो S21 FE है उससे ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप ये देता है S20 वाला फ़ोन। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको पता होगा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, हीटिंग बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। अगर आप बात करते हैं डे टू डे वर्क की तो यहाँ पर आप चाहे सोशल मीडिया हैंडल कर लीजिए, चाहे फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, चाहे आप गेम खेल लीजिए, इस टाइप का कोई भी काम करेंगे तो ज़्यादा हीटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हल्का फुल्का हीट होता, मैं नहीं बोल रहा कि हीट बिल्कुल नहीं होता, पर एकदम से ज़्यादा आपको दिक्कत हो आप यूज़ ना कर सके ऐसा हीट नहीं होता और काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ 865 का पुराना प्रोसेसर हो गया है, पर अभी आप एक बार अपने से ये पूछें कि आपका यूज़ है क्या, आपको वाकई लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। हम ये देखते नहीं कि हमको यूज़ करना क्या है, हमको जनरल यूज़ करना था कॉमन सा वर्क, हमको उससे वीडियो शूट करना है या फ़ोटोज़ खींचना है, सोशल मीडिया हैंडल करना है, कुछ नेटफ्लिक्स देख लेना है, काम हमको वही करना है, तो फिर आपको एकदम हाई एंड प्रोसेसर की ज़रूरत क्या है। ये एक मार्केटिंग गिमिक बना हुआ है कि जितने अच्छे आपके प्रोसेसर हैं उसको लेंगे तो परफॉर्मेंस बेस्ट मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये गिमिक है, परफॉर्मेंस मिलता है, बट उस परफॉर्मेंस की क्या वाकई में आपको ज़रूरत है।
है। आप इन जनरल बताइए ना कि जब आप एक घर लेने जाते हैं तो बंगलोज भी मिलते हैं, सुपर बंगलोज भी मिलते हैं, पर आप क्या लेते हैं, अपने ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना घर लेते हैं, अपने बजट के हिसाब से घर लेते हैं। तो जब गैजेट की बात आती है तो आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट क्यों चाहिए अगर आप उसको यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो। और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा डिप्रिसिएटिव आपका एसेट होता है। आज आप 35,000 में एक फ़ोन ले लीजिए, 2 महीने में 25,000 फ़ोन बेचना आपको दिक्कत हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपकी ज़रूरत है तो बेस्ट से बेस्ट प्रोसेसर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इन जनरल आपका काम चलता है तो नॉर्मल प्रोसेसर भी आपका चल जाएगा। वैसे ही S20 में आपका आराम से सारा टास्क हो जाएगा, अनलेस कि आप हैवी गेमिंग करते हैं, हैवी वीडियो एडिटिंग करते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज सारा काम आपका इसमें हो जाएगा। कंट्रोल। अब बात करते हैं कैमरे की। तो प्राइस पॉइंट 25 से 26,000 अगर हम कंसिडर करते हैं तो मैं आग बंद करके बोल सकता हूँ कि सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन है आज के टाइम में मार्केट में। देखिए, आप और फ़ोन से इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे गूगल पिक्सल 6 की बात कर लीजिए, वो भी 25-26,000 में आपको मिल रहा है। पिक्चर हो सकता है कैमरा इसका ज़्यादा अच्छा होगा पिक्सल का, लेकिन ओवरऑल जब आप बुके देखेंगे तो जो सैमसंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, जितने अच्छा प्रोसेसर, बैटरी ऑप्टिमाइज काफ़ी अच्छा है और साथ में कैमरा, ओवरऑल बुके में इससे बेस्ट फ़ोन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। डे लाइट में शानदार पिक्चर आता है, रात को भी पिक्चर आते हैं, ठीक ठाक आते हैं, बुरे नहीं आते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग आप 4K में कर सकते हैं, 4K 60fps तक कर सकते हैं। अगर आप सैंपल की बात करें तो जो वीडियो आप देख रहे हैं वो भी उसी से आपका शूट हो रहा है, इसलिए मैं फ़ोन आपको दिखा नहीं पाया। अगर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सैंपल देखना है तो मेरे चैनल पर कई वीडियो है जो 4K मैंने इसी फ़ोन से शूट किया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर क्लियर सैंपल मिल जाएगा। मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, इनफैक्ट जितने मेरे फ्रेंड रिलेटिव जो S20 यूज़ कर रहे हैं कैमरा के में, तो सबको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। और मैं बोलता हूँ अगर 27-28,000 में भी फ़ोन मिलता है तो इन टर्म्स ऑफ कैमरा ये बेस्ट कैमरा फ़ोन है आज के टाइम पे। तो प्रोस तो बहुत हो गए पर कोई भी फ़ोन परफेक्ट तो होता नहीं, तो चलिए बात कर लेते हैं कॉन्स की। तो सबसे मेजर कॉन जो इस फ़ोन के साथ आता है, एंड्रॉयड अपडेट। देखिए, एंड्रॉयड 13 का अपडेट इसको अभी मिल चुका है, एंड्रॉयड 14 आ सकता है नहीं आ सकता, कंपनी तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, ना उन्होंने हाँ बोला है ना ही ना बोला है। तो हो सकता है 14 मिल जाए, पर 14 के बाद तो बिल्कुल 15-16 तो मिलना ही नहीं है। तो अगर एंड्रॉयड अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो इस फ़ोन को आप बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि 14 शायद मिले, 15-16 नहीं मिलेगा। हालांकि इन जनरल एंड्रॉयड अपडेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है तो मुझे तो नहीं आइडिया। आपने देखा ही होगा नए नए एंड्रॉयड अपडेट आते हैं और आपका फ़ोन का कबाड़ा कर जाते हैं, तो ये पॉइंट आपको कंसीडर करना है। अगर एंड्रॉयड अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है तो इस फ़ोन के साथ बिल्कुल भी मत जाइए। बाकी इन जनरल आज भी एंड्रॉयड 8 और 9 के फ़ोन भी मार्केट में चल रहे हैं और आराम से चल रहे हैं, तो ये देख लीजिए, आपको एंड्रॉयड 13 तक में काम चल जाएगा तो ठीक है, आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। एक और कौन की बात करें तो जो डिस्प्ले में मैंने आपको बताया था कि कौन है, वो क्या है कि इसका जो ब्राइटनेस है वो सनलाइट में काफ़ी कम है, ओवरऑल ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है फ़ोन का, पर जब आप इसको डेलाइट में यूज़ करेंगे तो इसका स्क्रीन विजिबिलिटी उतना क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल देख नहीं पाएंगे, पर हाँ किसी और फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो स्क्रीन विजिबिलिटी आपका इसमें कम है। तो आप ये देखिए कि आपका यूज़ किस टाइप का है, अगर आप कोई मार्केटिंग जॉब में है या इस टाइप का है जहाँ पे आपको डेलाइट में ही ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना है तो इस फ़ोन को इग्नोर कीजिए। हाँ, आप अगर घर में यूज़ करते हैं, ऑफिस के अंदर यूज़ करते हैं, कॉलेज में यूज़ करते हैं, इस टाइप का इंडोर जगह में यूज़ ज़्यादातर करते हैं तो आप बिल्कुल इस फ़ोन को लीजिए। जैसे स्क्रीन बनाने आपको बताया, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी है। हाँ, डे लाइट में इसका दिक्कत है वो तो बिल्कुल है ही है। तो ये दो मेजर कौन जो मेरे को इस फ़ोन में दिखे। देखिए, और भी कौन होंगे, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं है, पर जो दो मेजर कौन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्लस पॉइंट मैं भूल गया था, वो मेरे को याद आया, आज फ़ोन में हर चीज़ है। आप जितने भी मोबाइल बैंकिंग ऐप्स हैं सब आप फ़ोन में यूज़ करते हैं, जितने UPIs आप फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। तो S20 FE में आपको नॉक सिक्योरिटी दिया हुआ है और कंप्लीट नॉक सिक्योरिटी दिया हुआ है, जो कि एंड्रॉयड में मैं बोलता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट नॉक सिक्योरिटी है। iOS की बात छोड़ दीजिए, एंड्रॉयड में सबसे बेस्ट कोई आपका सिक्योरिटी है तो नॉक सिक्योरिटी जो S20 में दिया हुआ है। इस प्राइस पॉइंट में ये मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा ये IP68 रेटिंग के साथ आता है, मतलब फ़ोन आपका कहीं पानी में गिर गया या फिर आप बारिश में ये फ़ोन भींग गया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आराम से यूज़ कर सकते हैं। जनरल बात कर ले तो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग ये सब तो दिया ही हुआ है, तो कॉमन ये सब तो अच्छे फैक्टर ही हैं, क्योंकि ओवरऑल ये सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन है। ठीक है, प्राइस आज इसका 24-25,000 हो गया क्योंकि फ़ोन पुराना हो गया, बट जितने फीचर्स हैं फ्लेक्सिव फीचर्स हैं जो आज के आप 25-27,000 का फ़ोन भी लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया 1 साल का S20 FE 5G के साथ, और मैं होप करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किसके फ़ोन के कॉन्स क्या हैं और प्रोज क्या हैं और आपके लिए फ़ोन सही होगा कि नहीं, और एक आप सही डिसीजन ले सकेंगे। अगर आप S20 FE 5G यूज़ कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या है बिल्कुल शेयर कीजिए, लोगों को हेल्प होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बताइए और कुछ प्लस है तो भी बताइए, तो आने वाले जो समय में कोई लेना चाहता है तो उसके लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा।
तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।